राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। झांकियों के लिए 7 एंट्री पॉइंट रहेंगे। बड़ी झांकियों को शारदा चौक पर एंट्री दी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज गणेश विसर्जन को लेकर ऐतिहासिक झांकी निकाली जाएगी, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा जहाँ पर झांकी को लेकर सेटअप जो है वो तैयार किया जा रहा है। इन्हीं रास्तों से आज रात 8 बजे से जो झांकियाँ हैं वो निकाली जाएगी। इसके लिए लगभग 8 ऐसी सड़कें हैं जिसे पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और 7 सड़कों के रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। शारदा चौक से यह जो झांकी है वह निकाली जाएगी और उसके बाद से यह महादेव घाट में जाकर झांकियों का और भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 1000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो पूरे शहर में की है ताकि किसी तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो। वहीं साइबर की लगभग 50 से 60 की जो टीम है, 50 से 60 पुलिसकर्मियों की टीम वो सादे वर्दी पर भीड़ के बीच में रहेगी ताकि जो भी असामाजिक तत्व है उन्हें अपराध करने से पहले पकड़ा जा सके। कई सारे हमने घटनाएं देखी जिसमें चाकूबाजी से घटनाएं जो नकाब देनी है वो इस पर ऐसी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर होती है। बढ़ते अपराध को लेकर रायपुर पुलिस अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रखी गई है। साथ ही झांकी के दौरान जहाँ से झांकी की शुरुआत होगी और झांकी के अंत तक ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम जो है वो इस पर पैनी नज़र रखेगा ताकि किसी तरह की घटनाएं जो है वह घटित ना हो। फिलहाल पुलिस और नगर निगम की टीम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। जो जर्जर और जो कमजोर मकाने हैं वहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा चस्पा किया गया है कि जो जर्जर मकान है वहाँ पर कोई लोग खड़े ना हो या छतों पर खड़े ना हो जाकि किसी तरह की कई घटनाएं ना हो। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, घटनाएं ना हो इसके दावे किए जा रहे हैं और अपनी तैयारी पूरी करने के। फिलहाल अब जो ऐतिहासिक झांकी है इसका इंतजार पूरे प्रदेशवासियों को है क्योंकि अलग अलग जिलों से लोग रायपुर में झांकी का दर्शन है वो देखने आते हैं। इस बार दुर्ग और राजनांदगांव से लगभग झांकियां मंगाई गई और लगभग 40 से 50 की संख्या में राजधानी में इन्हीं सड़कों से आज झांकियां जो है वो निकलेगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।